बिहार के कटिहार से विधायक कविता देवी बतौर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी प्रवासी विधायक बनकर भिलाई पहुंची और प्रेस वार्ता के माध्यम से भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करने तथा किसानों को प्रताड़ित करने, गौठानों के मामले, युवाओं का रोजगार देने के मामले सहित अन्य कई मुद्दों पर भूपेश सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और दोनों ही दिगर पार्टियां एक दूसरे पर शब्द के बाण चला रही हैं। इसी कड़ी में अहिवारा विधानसभा के प्रभारी के तौर पर कटिहार बिहार से वहां की विधायक कविता देवी इन दिनों अहिवारा विधानसभा के चारों मंडलों की समीक्षा कर रही हैं और इसी के तहत कविता देवी ने भिलाई में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार घोटालों के मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई आरोप भी लगाए। विशेष तौर पर गौठानों की स्थिति और भूपेश सरकार द्वारा किए गए वादों को ना निभाने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि प्रदेश की जनता भूपेश सरकार के झूठे वादों से त्रस्त हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दोनों ही पार्टियों ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट पूरी तरह से जारी नहीं की है। यह लिस्ट जारी हो जाने के बाद यकीनन दोनों ही दीगर पार्टियों में घमासान और ज़्यादा तेज हो जाएगा और देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाती है या फिर उन्हें इस बार भी विपक्षी पार्टी की भूमिका निभानी पड़ सकती है। अभी जो हम आए हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमें प्रवास में भेजा गया है और मुझे अहिवारा विधानसभा मिला है और मैं पूरे चार मंडल इस अहिवारा विधानसभा में आती है। मैं चारों मंडल में आज चौथा प्रवास है हमारा, चौथा मंडल में। तो तीन मंडल जब हम गई तो प्राय हमें रोड रास्ता का तो समस्या नज़र आया ही, टूटा फूटा जो पूर्व के हमारे सरकार बीजेपी के थी उन्होंने जो रोड रास्ता बनाया तो उसे अभी के वर्तमान सरकार को तो रिपेयरिंग करना चाहिए, वो उसी तरह है, समस्या है। गरीबों का जो कल्याण होना चाहिए, हमको लगता है अभी के सरकार के में वो और गरीब होते जा रहे हैं। और किस तरह की समस्या? बहुत समस्या है यहाँ तो, सिर्फ हमको भ्रष्टाचार का बात आ रहा है, घोटाले की बातें आ रही हैं और गोठान का तो सबसे बड़ा यहाँ समस्या नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे 9 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल, उनको उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमने जहाँ जहाँ गए और उनका भी योजनाओं के बारे में पता चला है, उन्हें उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रदेश की जो सरकार है उनसे कोई लाभ का कोई उम्मीद ही नहीं इन लोगों को नजर आ रही है और जनता तो इस बार मन बना ली है कि उसे उखाड़ फेंकने का। आएगी आप लोग की सरकार आ जाएगी? बिल्कुल, हम यहाँ जो हम अभी माहौल देख रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है कि जनता, हम तो जन जन तक जा रहे हैं तो जनता पूरी तरह से मन बना ली है इस सरकार को उखाड़ फेंकने। उनको बोलने का क्या है, गलत है तो वो तो गलती को अपना छुपाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।